दोस्तों, सफ़ेद दाग ल्यूकोडर्मा और वाइट पैचेस की आज मैं इतनी बेहतरीन जानकारी लेने लेके आया हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ 7 दिन का उपाय है दोस्तों, और 7 दिन में अगर आपका वाइट पैचेस नया है तो बहुत जल्दी ही 7 दिन में ही ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर थोड़ा पुराना है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है आज की। उससे पहले आपसे मैं विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी में मुस्कान ला सकता है। पहला सुख निरोगी काया। तो दोस्तों, मैं टॉपिक पे आता हूँ कि सिर्फ और 7 दिन में सफ़ेद दाग ठीक हो जाएगा, बिल्कुल 100% रामबाण उपाय है। दोस्तों, ये उपाय सालों पहले, शताब्दियों में ये उपाय किया जाता था गाँव में, लेकिन आज हमारे सनातन सभ्यता के चीज़ें हम लोग भूल चुके हैं, मॉडर्न हो चुके हैं, इसलिए वहाँ पे हम लोग ये चीज़ें भूल चुके हैं बिल्कुल ही। दोस्तों, लाल मिट्टी, इसको गांव की भाषा में गेरू बोलते हैं, लाल मिट्टी आप मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, आप लेके आइएगा। इसमें कॉपर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कॉपर ही हमारी स्किन में जो मेलेनिन को बढ़ाता है, वो कॉपर का बहुत बड़ा रोल होता है। और अदरक, दोस्तों अदरक खाने में भी फ़ायदा करती है वाइट पैच के रोगियों को, और लगाने में भी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है जहाँ पे, वहाँ पे वाइट पैचेस कभी हो ही नहीं सकते हैं। दोस्तों, जहाँ पे वाइट पैचेस हो जाता है वहाँ पे सुन्न हो जाता है, क्योंकि वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। इसलिए ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा होगा और आपकी कॉपर की मात्रा बढ़ाएगा वहाँ पर, तो आपका वाइट पैचेस सिर्फ और सिर्फ 7 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन 7 दिन में ख़त्म होगा, इस कैसे वो चीज़ें ध्यान देना पड़ेगा, आपको करना क्या पड़ेगा नियमित, वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताऊंगा। दोस्तों, आपको जब ये उपाय तभी आपको फ़ायदा करेगा जब आप इसके परहेज नियमित करेंगे और बिल्कुल भूलेंगे भी नहीं, और जो मैं खाने चीज़ें की बताऊँगा उसको भूलना नहीं है आपको, तो फ़ायदा करेगा। वरना आप कहेंगे कि सर 7 दिन में रिजल्ट नहीं आया, तो नहीं आएगा। आपको 2 टाइम करना है, आपको 1 चम्मच लेना है लाल मिट्टी, 2 चम्मच अदरक का रस, 2 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच लाल मिट्टी, उसका पेस्ट बना लेना है। उसके बाद दोस्तों, जहाँ पे वाइट पैचेस है उनको पहले गर्म पानी से धुल लेना है, 10 मिनट तक गर्म पानी से सेकना है। दोस्तों, जहाँ पे वाइट पैचेस है उसको 10 मिनट तक गर्म पानी से सेकना है। उसके बाद दोस्तों, फिर 5 मिनट के बाद, फिर जहाँ पे ये वाइट पैचेस है, ये इसी का पेस्ट, लाल मिट्टी और अदरक के रस का पेस्ट को लगाकर मसाज करनी है 2 से 4 मिनट। दोस्तों, 2 से 4 मिनट तक मसाज करनी है, उसके बाद वाइट पैचेस के ऊपर इस पेस्ट को ऊपर लगा देना है, थोप देना है बिल्कुल, और छोड़ देना है जब तक वो सूख नहीं जाता है, वो अपने आप सूख जाएगा, तब दोस्तों उसको धुल लेना है। ऐसा आपको नियमित सुबह और शाम को करना है। और क्या करना है दोस्तों, जो एक महत्वपूर्ण बात है उसको मैं बता रहा हूँ, कि आपको सुबह 1 ग्लास लौकी का जूस, उसमें 5 पत्तियाँ पुदीना की और 5 पत्ती तुलसी की मिक्स करके जूस में पीना है नियमित, सुबह खाली पेट, और 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। और दोस्तों, परहेज क्या करना है आपको, आपको मीट, मछली, मदिरा, एल्कोहल, स्मोकिंग और तली भुनी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक, मैदे से बनी चीज़ें, बैंगन, उड़द, ये बिल्कुल भी भूल से एक बार भी नहीं लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको हरे पत्तेदार सब्जियां, आपको ग्रीन वेजिटेबल खानी है, गाजर का जूस पीना है, चुकंदर का जूस पीना है, और अंकुरित चने नियमित लेना है सुबह। जब आप लौकी का जूस पियेंगे उसमें पुदीना और तुलसी के पत्ती डाल के, तब आपको लौकी का जूस पीने के बाद, फिर आपको दोस्तों 1 घंटे के बाद फिर अंकुरित चने और अखरोट का सेवन, सुबह अखरोट भिगो दीजिए, 2 अखरोट, और सॉरी शाम को भिगोइएगा और सुबह खाइए अखरोट, और बादाम भी दोस्तों 5 बादाम और 2 अखरोट, ये आपको खाना है, शाम को भिगना और सुबह खाना है। और 2 काली मिर्च दोस्तों खाली पेट उसी समय खा लेंगे जब आप जूस पियेंगे ये लौकी का। दोस्तों, आपको 7 दिन के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा, और अगर थोड़ा पुराना है तो उसमें मेलेनिन, क्योंकि दोस्तों वह जहाँ जो दाग पुराना होता है वहाँ पे सुन्न हो जाता है, तो वहाँ ब्लड सर्कुलेशन लाने में थोड़ा टाइम लगता है,
लेकिन आप जब गर्म पानी से धुलेंगे तो बहुत जल्दी ही रिजल्ट इसका मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों बिल्कुल भी आप घबराइए नहीं, इस बीमारी का पूरा इलाज है, लाइलाज बीमारी नहीं है, क्योंकि इससे हमारे भाई और बहनों की ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल रही है और बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं क्योंकि समाज में इसको बहुत ही अभिशाप माना जाता है इस बीमारी को। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है और हमसे जुड़िए और हम आपका पूरा हेल्प करेंगे। 90 वीडियो की सीरीज है हमारे पास और अगर आप उन 90 वीडियोज़ को देख लिया आपने समझ के, दोस्तों आप जड़ पे जाइए, अगर आप जड़ पे काम करेंगे, इस बीमारी को समझ लेंगे तो आपकी ये बीमारी चुटकियों में ठीक हो जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, पूरा सुनिएगा। अगर आप जड़ पर गए, चीज़ों को समझा, तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। सिर्फ दवाई के चक्कर में रहेंगे तो लंबा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप जड़ को जानें क्या खाना है क्या नहीं। थैंक यू।